तीन घंटे पहले हमारे विंडो ने उसे देखा था। वो एक अजन्मा शाप ही था। सिर्फ 90% लोगों को निकालने के बाद ही उन लोगों ने इस सेंटर को सील करके बंद कर दिया। हमने यहाँ से 500 मीटर दूर तक का इलाका भी पूरी तरह खाली करवा दिया है। जीजी सर, एक बात पूछूं, आखिर ये विंडो क्या होता है? विंडो जुजुत्सु हाय का वो शख्स होता है जो शापों को अच्छी तरह से देख सकता है, लेकिन वो अभी जादूगर नहीं बने। ऐसा क्या? बच्चों अब आगे सुनो, ये बात डिटेनी ब्लॉक 2 की है। अभी वहाँ पर 5 लोग उस अजन्मे शाप के साथ कैद में मौजूद हैं। अगर ये अजन्मा शाप रूप बदल सकता है तो ये जल्द ही अव्वल दर्जे की शापित शक्ति जरूर बन जाएगा। अव्वल दर्जे की? अच्छा सुनिए, मुझे अभी भी नहीं पता कि अव्वल दर्जे का मतलब आखिर होता क्या है। चलो ठीक है, मैं तुम्हें ये चीज आसान भाषा में समझाता हूँ। पहला चौथे दर्जे की शक्ति, उससे लड़ने के लिए मोटा डंडा ही काफी है। तीसरा दर्जा, इस शक्ति को पिस्तौल से भी हरा सकते हो। दूसरा दर्जा, इनके लिए शॉर्ट गन भी काफी नहीं है। पहला दर्जा, इन्हें तो टैंक से भी हराना मुश्किल है। अब अव्वल दर्जा, अगर तुम्हारे पास बहुत सारे बॉम्ब्स हो तब जाके तुम उससे मुकाबला कर पाओगे। यानी वो मुसीबत है? ऐसे मिशन पर वही जुजुत्सु जादूगर जाता है जो शक्ति जितना ताकतवर हो, जैसे इस मामले में गोजो सर को जाना चाहिए था। अच्छा, तो गोजो सर कहाँ पर है? कोई और काम कर रहे हैं। वैसे भी उन जैसे इंसान को ऐसी जगह के आसपास नौटंकी करने नहीं भेजा जा सकता। मैं खाने के लिए कुछ नहीं लाने वाला। बदकिस्मती से अक्सर हमारे पास लोगों की कमी ही रहती है। तुम्हें अक्सर अपनी काबिलियत से ज्यादा मुश्किल मिशंस मिलेंगे, लेकिन ये मामला सबसे अनोखा है और हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं है। उस शक्ति से बिल्कुल मत लड़ना। अगर अव्वल दर्जे की शक्ति तुम्हारे सामने आ जाए तो भाग जाना, वरना मारे जाओगे। बेवजह हीरो बनने की कोशिश करोगे तो बहुत पछताओगे। आज का तुम्हारा मिशन है जानकारी हासिल करना और जिंदा बचे लोगों को वहाँ से बाहर निकालना, समझ गए तुम लोग? हेलो सुनिए, मेरा तदाशी कहाँ है? आप वहाँ नहीं जा सकते, समझने की कोशिश कीजिए। मगर तदाशी, मेरा बेटा तदाशी ठीक तो है ना? प्लीज बताइए। आप मेरी बात सुनिए, वहाँ पर खतरा है, मुझे नहीं जा सकते। ये एक लड़के की माँ है जो अंदर फंसा है। प्लीज आप अंदर मत आइए। हमेशा के किसी शातिर क्रिमिनल ने पूरे सेंटर में जहरीली गैस फैला दी है। अभी हम आपको इसके अलावा और कुछ नहीं बता सकते। नहीं, क्यों? ये सब क्यों हो रहा है? प्लीज मेरे बच्चे को बचा ले। खुशी करो, दोबारा हमें उन्हें बचाना होगा। हाँ जरूर। संभल कर जाना, मैं कवच बना देता हूं। अंधेरे में जन्म लेगी काली से भी काली शक्ति, हर नापाक चीज को पाक बनाएगी। अरे ये रात कैसे हो गई? ये कवच है, यहाँ आसपास बहुत सारे लोग रहते हैं। अब यहाँ पर जो कुछ भी होगा उन्हें दिखाई नहीं देगा। ये तो कमाल है। अनाड़ी शापित डॉग।
प्रतापित शक्ति करीब आएगी तो ये बता देगा। वो तो ऐसी बात है। प्यारे डॉगी, तुम हमारी मदद करोगे है ना? चलो चले। रुको, ये क्या है? यहाँ पर क्या हो रहा है? और इस बिल्डिंग में सिर्फ दो ही फ्लोर्स थे, है ना? शांत हो जाओ, ये ड्यूप्लेक्स है। ऐसा नहीं है, ये छलावा उस शापित शक्ति ने अपनी ताकत से पैदा किया है। मैंने इतना बड़ा छलावा कभी नहीं देखा। दरवाजा कहाँ गया? दरवाजा गायब कैसे हो गया? पर कैसे? हम अभी उससे अंदर आए थे, है ना? अब तो हम फंस गए, अब हम क्या करेंगे? डराओ मत, ये डॉगी उस दरवाजे को सूंघ कर ढूंढ लेगा। अरे कमाल के हो खुशी गुरु, तुम्हारी वजह से हम खुद को और साथ ही दूसरों को भी बचा पाएंगे। चलो आगे बढ़ते हैं। इसने बिना लाइसेंस के गाड़ी चलाते हुए एक लड़की को टक्कर मार दी थी। ये दूसरी बार बिना लाइसेंस के पकड़ा गया था। मुझे पता है कि तुम्हें लोगों को बचाना है और तुम चाहते हो कि किसी की मौत खौफनाक ना हो, लेकिन जिसे तुम्हें बचाना है वो कल को किसी और की जान लेगा तो तुम क्या करोगे? तो तुमने मुझे बचाने की कोशिश क्यों की? अरे बस भी करो, हद है, बच्चों की तरह लड़ रहे हो। तुम दोनों कधे हो? जरा देखो तो सही कि तुम हो कहां पर। नोबारा, ये क्या? डॉग्स ने हमें खबरदार क्यों नहीं किया? यूजी, यहां से भागो, हमें नोबारा को ढूंढना होगा और उसे। मुझे लग रहा है ये शक्ति अपने दर्जे की है, मैं हिल नहीं पा रहा। अरे हिलो, चलो चलो यहाँ से निकलो, दूसरों की मदद करो। अगर तुम्हें जिंदा रहना है तो मेरी मदद करो। बिल्कुल नहीं, तुम्हारे अंदर मौजूद
मेरे हिस्से मर भी जाएं, तब भी मेरी आत्मा के और 18 टुकड़े बचे रहेंगे। मुझे तो बहुत गुस्सा आता है कि मैं अभी भी तुम्हारी बॉडी को कंट्रोल नहीं कर सकता। तुम्हें मुझे बाहर लाना है तो शौक से ले आओ, लेकिन तुमने ऐसा किया तो मैं इस शक्ति से पहले तुम्हारे दोस्त को मारूंगा और फिर उस लड़की को। वो बड़ी जोशीली है, मारने में मजा आएगा। मैं तुम्हें ऐसा कभी नहीं करने दूंगा। कोशिश कर लो, पर तुमने मुझे कंट्रोल किया तो तुम्हारे दोनों दोस्त मारे जाएंगे। ये जुजुत्सु नहीं है, इसने हम पर शापित शक्ति का वार किया है। फुशीगुरु, तुम्हारा को लेकर अभी के अभी यहाँ से भाग जाओ। तुम दोनों के बाहर जाने तक मैं इसे उलझा कर रखता हूँ, समझे? जैसे ही तुम बाहर निकल जाओ मुझे बस कोई सिग्नल दे देना, बस उसके बाद मैं सुगुरा को बाहर ले आऊंगा। ऐसा करना खतरनाक होगा और तुम्हारा एक हाथ भी कटा हुआ है। गौर से देखो, हंस रहा है। मुझे लग रहा है हम बस इसके लिए खिलौने हैं। कम से कम मैं इसे थोड़ी देर तो रोक लूंगा। ऐसा मत करो फुशीगुरु, समझो। जाओ नुबारा को ढूंढो। अब बस आखिरी कील बची है। मुझे बहुत सारे कीले लेकर आना चाहिए था। ऐसा लगता है जो मैं कपड़े उतार कर लड़ने में मजा आता है। समझ नहीं आ रहा कैसे लड़ूं। मुझे तो मेरी शापित शक्ति इस्तेमाल करना भी नहीं आता, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे बस इसे थोड़ा। ये क्या था? शापित शक्ति का धमाका।
जुजुत्सु जादूगर मरते वक्त हमेशा पछताते हैं। फिर भी मैं यही चाहता हूँ कि मेरी मौत खौफनाक तरीके से ना हो। इंसानों के नेगेटिव इमोशंस की वजह से ऐसे शाप जन्म लेते हैं। तो इसका मतलब मुझे मेरी नफरत, डर, पछतावा, ये सारी नेगेटिव इमोशंस अपनी ताकत के जरिए बाहर निकालना होगा। परेशान हो गया हूं तो ये मेरा इस्तेमाल करना चाहता है। रुको थोड़ा सा, मुझे सोचने दो। आखिर मैं ऐसा क्या करूं जिससे इस लड़के को तकलीफ हो? हाँ, इसे मारने की कोशिश की तो ये अपनी बॉडी को फिर कंट्रोल में कर लेगा। तो इसे सबसे ज्यादा तकलीफ कैसे होगी? इसके दोस्त को इस शक्ति से भिड़ाता हूँ, ये सही रहेगा। चलो उन बच्चों को मारो, मेरे पीछे आओ। बेवकूफ, ये क्या? मैंने इसका हाथ ठीक कर दिया। बाहर जाना नहीं पसंद? वैसे शापित आत्माएं जहाँ जन्म लेती हैं उन्हें वहीं रहना चाहिए। चलो ठीक है, अगर ऐसा है तो तुम्हारी कब्र एक हो जाएगी। अरे ये क्या हो गया? अरे इतनी जल्दी कौन मरता है? क्या हो गया? थोड़ी और कोशिश तो करते। आत्मा क्यों ना हो, हाथ बहुत जरूरी होता है। प्लीज आसपास के 10 किलोमीटर का इलाका खाली करवा दीजिए। और तुम क्या करोगे? मैं यहाँ यूजी के लौटने का इंतजार करूंगा। ठीक है, समझ गया। मैं नोबारा को जल्द से जल्द हॉस्पिटल पहुंचाकर यहाँ तुम्हारी मदद करने आ जाऊंगा। नहीं, आपके यहाँ वापस आने से कोई फायदा नहीं होगा। अगर मदद करनी है तो स्कूल में जाकर कहिएगा कि यहाँ पहले दर्जे के जादूगर को भेज दें। लेकिन शायद ही वहाँ कोई होगा। मुझसे जो होगा मैं करूंगा। अब मैं चलता हूँ। अगर सुकूना उस पर हावी हो गया, मैं नहीं चाहता ये मर जाए। सही कहा, प्लीज इसकी मदद कीजिए। तो मुझे ना चाहते हुए भी उसकी जान लेनी होगी। ए, एक बात बताऊं, यहां पर हम दोनों को अव्वल दर्जे की शक्ति कहते हैं। हम दोनों को एक जैसा मानते हैं। बहुत खूब अव्वल शक्ति, कोशिश अच्छी है। तुम तो बत्तीसी दिखा रहे हो, थोड़ी तारीफ कर दूं क्या? लेकिन जादू से खुद को ठीक करना इंसानों के लिए मुश्किल है। तुम जैसे शापित आत्माओं के लिए ये करना बड़ी आसान सी बात है। ना तो तुम और ना ही ये ना समझ लड़का अभी तक समझ ही नहीं पाए कि शापित शक्ति आखिर क्या होती है।
खैर कोई बात नहीं, अब मैं दिखाता हूँ कि आखिर असली जुजुत्सु होता क्या है। अंधेरे का भंवर। पाप की इमारत। मैं तुम्हें तीन टुकड़ों में काटना चाहता था, लेकिन तुम तो बड़े कमजोर निकले। और हाँ, तुम्हारे पास ये भी तो है, इसे मैं रख लेता हूँ। खेल खत्म। अबे ओ गधे, अगर तुझे बाहर आना है तो आ जा। क्या हुआ बेवकूफ? आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, घूरते रहो। घूर क्यों रहे हो? आप फोन पर भी इस तरह झुककर सलाम करते हैं? अरे वो दरअसल बात करते करते मैं इतना ज्यादा खो जाता हूँ कि मुझे याद ही नहीं रहता कि मेरे सामने कोई नहीं खड़ा है। मैं समझ सकती हूँ, हाथ पैरों के बाल निकालते वक्त मैं इतनी खो जाती हूँ कि मेरी गर्दन अकड़ जाती है। जहाँ बाल होते वहाँ भी दुखने लग जाता है। दोनों बातें एक जैसी नहीं है। खुशी गुरु, तुम फोन पर बात करते हुए अक्सर चिड़े हुए क्यों रहते हो? मुझे फोन से चिड़नी होती है, गोजो सर की बातों से होती है। तुम अक्सर फोन पर बात करते हुए यहाँ वहाँ निकल जाते हो यूजी। अच्छा, फोन से मुझे याद आया, क्या तुम लोग अपने सिर और कंधे में फोन रखकर किसी से बात कर सकते हो? बताओ।